की बार मोदी आ गया ना, अब की जो थोड़ा बहुत देश खरना सोना रहना वो हो जाएगा, और कुछ नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि धर्म को किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करी जा, लेकिन धर्म से ऊपर एक तरह से कानून भी है। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? चौकीदार चोर है। मोदी ने अपने भाषणों में स्पीच दी 2007 से 2002 में जो यूपीए सरकार का एग्रीमेंट था, फ्रांस की गवर्नमेंट से होने जा रहा था, उसमें 526 का प्लेन आ रहा था। अच्छा, तो उसी कंडीशन को जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोदी ने साइन कर दी। डिफेंस मिनिस्टर को क्यों ले गए? वो क्यों नहीं ले गए? डायरेक्ट क्यों कर दी? उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उनके एफिडेविट सामने ले गया, आए तो क्यों नहीं लाए? रक्षा मंत्री सीतारमन 2.5 घंटे स्पीच देती है, लेकिन एक उसका सवाल का जवाब नहीं देती। बताओ क्यों नहीं देती? जवाब मेन पॉइंट का जवाब तो नहीं देते। कीमत क्यों बढ़ा दी? वो कहते कि अब वेपनाइज, पहले बेसिक प्लेन था, अब वेपनाइज है। जब मोदी डायरेक्ट मोदी ने वहाँ पे साइन किए जाके फ्रांस के राष्ट्रपति और डेसोल्ट के मालिक ने, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो एग्रीमेंट हुआ सेम कंडीशन, यूपीए सरकार की जो कंडीशन थी सेम कंडीशन, तो इतने कीमत कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? कौन देगा इसका जवाब? इस पर बात को बोलते ही नहीं कोई। 2.5 घंटे स्पीच दे रहे हैं, मोदी भागा फिर रहा बेचारा, वो चौकीदार चोर करके भागा फिर रहा। बताओ कौन दे रहा जवाब? कौन दे रहा? इधर उधर की बात हो रही, लेकिन उस सवाल का जवाब कौन दे रहा? चोरी तो चोरी, सीना चोरी। अगर तुम्हारे लोकसभा में MP ज्यादा है तो तुम किसी को बोलने नहीं दे रहे। यानी कि आवाज, मतलब कैक की रिपोर्ट जा रही अभी पेंडिंग में, PSC की जा रही, PSC का विपक्ष का नेता होता है, उसके पास उसने साइन नहीं करे, वहाँ पे कोर्ट में दिखा दिया कि उसने साइन कर दिए, झूठे एफिडेविट डायरेक्ट कोर्ट में, और कह रही कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने कहा, कोर्ट की भी बात देख लो आप, कोर्ट में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे कि हमें पढ़ने में गलती हो गई, हमें गलत एफिडेविट दे, तो इतनी पॉपुलर न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें ग्रामर में गलती हो जाएगी, सब खरीदे हुए। कोई मोदी तो बनता नहीं बिल्कुल, तो कोई कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा रखा, खासने उसी के बेस पे टिके हुए। राम जी को बदनाम कर रखा, मुस्लिम वो अयोध्या का मंदिर वहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए बिल्कुल, लेकिन पहले अगर उनका है, जगह है उनकी, अगर मुस्लिम पार्टी की वो प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम चाहेगा बन जाए वहाँ, लेकिन अगर उसकी, उसे दूसरे मुस्लिम भी नहीं रोक सकते, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है उसमें ही तो बनेगा। अब जबरदस्ती थोड़ी कर लोगे तुम, मान ले अगर कोई मस्जिद है, कोई हिंदू की है, हिंदू की प्रॉपर्टी नाम उसके, तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी उसका अधिकार है, ले लेगा वो चिपचे। अब ऐसे ही वहाँ थे, लेकिन प्रूफ तो जाने दो, मुस्लिम तो राजी है। तो यानी कि सियासत खेली जा रही है, सियासत तो राम के और हिंदू के नाम पे वोट की राजनीति कर दें जी मोदी जी। भाजपा गवर्नमेंट टिकी हुई उस पर 1992 में, इसी से शुरुआत हुई भी उनकी। देखो ये राम मंदिर तो अच्छी बात है बन जा, लेकिन प्रूफ तो कर दो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, हम तो खड़े होकर बनवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ईंट में रख के आऊंगा, लेकिन प्रूफ तो कर दो ईंट तुम्हारी, कोर्ट में प्रूफ कर दो प्रॉपर्टी तुम्हारी है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलशाक। कुछ नहीं है, ड्रामा बजट पास किया 2000 रुपये में, 6000 रुपये में किसान का भला हो रहा। अगर कोई 72,000 करोड़ माफ करा रहा, उलगांधी पिछली बार माफ करते, जब तो फ्री में लुटा रहे, अब तो अपने दे रहे तुम फ्री में किसानों को, उन्हें काम दो, उनकी जो खाद मिल रही है उन्हें सस्ती दो और महंगी लो, तुम महंगी देके सस्ती खरीद रहे उनकी फसल, और फिर वहाँ सड़ा रहे या एक्सपोर्ट कर रहे। पहले देश की जनता का तो भला कर लो, एक्सपोर्ट बाद में कर लियो। अखिलेश सही आदमी, राहुल गांधी भी सही है, राहुल गांधी शरीफ आदमी। अच्छा, वो हेरा फेरी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, वो नॉर्मल है, इस तरह मैं ना वो गलतियाँ भी करे। मोदी फ्रॉड है, चोर है, मतलब इतना तेज आदमी, पूरी बेवकूफ़ बना रखा पूरे देश का। अच्छा, फकीर में तो फकीर है, तू 10-10 लाख करोड़ बना तो फकीर है असल में। वो अगर इतनी वो भी नहीं, उसका कहने का मतलब रियलिटी ये है, जब उन्हें कहता है स्विट्जरलैंड में इतना अकाउंट पैसा पड़ा, अगर वहाँ से मैं ले आऊँ ना तो 15-15 लाख सब खाते में आ जाएंगे, उसने कहा तक मैं दे दूँगा, हकीकत तो ये है। तो लेकिन वो लेके भी नहीं, उन्होंने कहा 100 दिन में ले आऊँगा, और अगर 50% अगर मान लो 1000 करोड़ थे वहाँ, 1500 करोड़ चले गए नोटबंदी के बाद, यानी कालाधन और बढ़ा वहाँ का, यहीं से गया। अब उसके पास सारे प्रोसेसिंग है, पूरी गवर्नमेंट है, कोई चीज़ 3 तलाक पे रातों रात वो कानून लिया सब, इस पर क्यों नहीं ले गया था वो? इस पर क्यों नहीं ले गया था वो? क्योंकि उनका खुद का पैसा पड़ा वहाँ, बीजेपी वालों का, कांग्रेस का, सबका पड़ा, असलियत तो ये है। अच्छा, जो 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया था उस पर क्या कहना? देखो ये जो कानून है, जो उसने जो सही है सही है, देखो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी को तकलीफ है कानून के दायरे में,
इसमें तुम्हें कट्टरता नहीं रह सकते। अगर कोई गलती 3 तलाक देखो जिसे है कानून है सही है जो सबके लिए है, जो सबके लिए हाँ, अगर गलत हो रहा कहीं पे किसी को दिक्कत हो रही तो बेफिक्र है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, और कोई कहते मैं शरीयत है जी, कोई कहते मुझे पंडित ने कहा, कोई मौलवी ने कहा, सब गलत है, जो कानून है कानून है। अगर किसी को तकलीफ है, ये पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि धर्म को किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करी जा, लेकिन धर्म से ऊपर एक तरह से कानून भी है, क्योंकि ये पहले तो कानून में आ रहा है किसी के धर्म से छेड़छाड़ ना करी जा। अगर लेकिन कोई शरीयत में नहीं, अगर 3 तलाक को प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट में कि शरीयत में, तभी तो नहीं कि अगर ये प्रूफ कर देते कि शरीयत में, तो कानून कहाँ से आ जाता। वो भाजपा वाले कहेंगे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जो सारे बीजेपी के लीडर रह रहे सब कांग्रेस ही थे। ये अब आगे ये वॉशिंग मशीन आ गई जी भाजपा में, आगे वॉशिंग मशीन हो गई, साफ सुथरे हो गए, ले लो। अरे एक और बताओ, सरकार जो है नीति बनाती है, किसी को रोजगार नहीं देती वो। अच्छा। तो कुरा कुछ नहीं, अभी है हमारे शुरू से बीजेपी के सपोर्टर है। अच्छा। अब इन्होंने बताओ एम्पायर इतना बड़ा खड़ा कर दिया, अभी जब कांग्रेस सरकार थी कांग्रेस ने करवा दिया, इन्हें करा तो उन्होंने खुद ही। अच्छा अच्छा बताओ, ये योगी जी ने एक चीज कही थी, वो लखनऊ गए थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि रोजगार और व्यापार सबके पास। अजी कहने को तो भोगी ढोगी, सुनो कहने को तो योगी ढोगी, करना फिर था संविधान पति मुख्यमंत्री है इसलिए रहा, एक मुझे नहीं कह रहा था इसकी माँ झोपड़ी में रहे, पर तू कैसा कैसा लड़का, तेरी माँ तो झोपड़ी में रहे, ढोंगी है वो तो सब। अच्छा कुछ नहीं है इनका, बीजेपी वाले सब देश का नाश करेंगे, हकीकत तो ये है, सिर्फ अपनी गंदी राजनीति पावर के चक्कर में जनता को लड़वा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। अति बुरी होती है, अब की बार मोदी आ गया ना, अब की जो थोड़ा बहुत देश का नाश होना रहे ना वो हो जाएगा, और कुछ नहीं होना।